16 दिसंबर विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है। उसी कड़ी में आज 16 दिसंबर 1971 में भारत ने युद्ध में विजय प्राप्त करी थी, उसी को लेकर अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा विजय दिवस शहीद पार्क में मनाया गया। सर्वप्रथम सभी अतिथियों और भूतपूर्व सैनिकों ने शहीद स्मारक पर शहीदों को पुष्पांजलि भेंट की। वहीं 2 मिनट का मौन करके उनको बड़ी शिद्दत से याद किया और बताया कि आज ही के दिन 16 दिसंबर 1971 युद्ध में हमारे सैनिकों ने पाकिस्तान पर विजय प्राप्त की थी। आज करीब 50 साल हो गए आज के दिन को हम विजय दिवस के रूप में मनाते हैं। पूर्व सैनिक सेवा परिषद द्वारा ये कार्यक्रम रखा जाता है। इस कार्यक्रम में विधायक दिलीप सिंह परिहार, पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष राकेश पप्पू जैन, अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद के सभी पदाधिकारी कार्यक्रम मौजूद रहे। आज विजय दिवस पूरा देश धूमधाम से मना रहा है। 1971 के युद्ध में भारत ने विजय प्राप्त करी थी और हम सब जानते हैं कि उस समय का इतिहास, पाकिस्तान ने हमारे ऊपर यह 1971 का युद्ध थोपा था और उसको मुंह की खानी पड़ी थी। हमारे सेना के जवानों ने 93,000 सैनिकों को आत्मसमर्पण करवाया था और आज विजय दिवस के अवसर पर हम यहाँ शहीद बगीचा है जो 1857 की क्रांति का एक संदेश देता है। इस बगीचे में पूर्व सैनिक परिषद के समस्त पदाधिकारियों द्वारा, बोरीवाल जी, गहलोत जी, नलवाया जी और सब लोगों ने मिलकर एक कार्यक्रम आयोजित किया था और उस समय के जो घटनाक्रम है वो आने वाली पीढ़ी को बताने का काम माननीय चतर सिंह जी गहलोत, जो उस समय 71 के युद्ध में थे, उनने यहाँ किया है। यहाँ राष्ट्रभक्त लोग उपस्थित हुए हैं, बच्चे NCC के बच्चे उपस्थित हुए हैं, उनको प्रेरणा मिलेगी उससे। और हम देखते हैं कि ये विजय दिवस आज 50 वर्ष पूरे कर रहा है तो हमें गर्व है। भारत आज देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने के हाथों में है और उनने सेना का बजट बढ़ाया है। थल सेना, वायु सेना, जल सेना आज हमारी मजबूत हुई है। आज तो हम उन सभी शहीदों को जो भारत को उस युद्ध में शहीद हुए थे उन्हें नमन करते हैं और जो भारत का पुरुषार्थ है उस पुरुषार्थ को हमने आज स्मरण किया है। इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है और यह बगीचा एक संदेश देता है हमारे आने वाली पीढ़ी को। और यहाँ हमारे सैनिक बंधु जो कारगिल के युद्ध में, जो 1971 के युद्ध में या अन्य मिलिट्री में रहकर भारत माता की सेवा की और आज यहाँ रिटायर्ड होकर आए हैं और आज वो यहाँ आए हैं, मैं उन सबको भी प्रणाम करता हूँ और उनने कुछ मांग रखी है उसको भी हम पूरी करेंगे। निश्चित ही इतिहास वीरों का पढ़ा जाता है, कायरों का नहीं पढ़ा जाता है। जो वीर होते हैं, धीर होते हैं, वही इतिहास बनाते हैं और इतिहास 1971 में हमारी सेना के जवानों ने बनाया, इसके लिए बधाई। आने वाले समय में भारत और शक्ति संपन्न राष्ट्र बनकर खड़ा रहे। आज हमारी सेनाएं मजबूत है, चीन को डोकलान में हमने जवाब दिया है और यदि हमारी यहाँ किसी ने आतंकवाद फैलाने का काम किया है तो सर्जिकल स्ट्राइक करके हमारे सेना के जवानों ने उनका भी जवाब दिया है। तो भारत आज कहीं ना कहीं बढ़ रहा है, जैसा राजा वैसी प्रजा। आज राजा मजबूत है तो प्रजा और सब लोग मजबूत है। पुनः विजय दिवस की आप सबको बधाई, शुभकामनाएं। नीमच से दीपक खताविया की ये रिपोर्ट।